सो हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। तो एमपीटीटी काउंसलिंग 2022 के लिए जो राउंड वन की मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। राउंड वन के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनका मेरिट लिस्ट के अंदर आप अब जाके नाम देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरिट लिस्ट के साथ साथ बच्चों के काफ़ी सारे के डिफरेंट डाउट भी हमारे पास आए हैं। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि भैया मेरा मेरिट लिस्ट के अंदर नाम तो है, मैंने अप्लाई किया था, मेरा नाम भी है, लेकिन क्या ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मेरिट लिस्ट में नाम है तो मुझे राउंड वन के अंदर सीट अलॉटमेंट कन्फर्म होगा ही? तो ऐसा कोई कन्फर्म नहीं होता। मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम है, आपने अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली नाम होगा ही, लेकिन ये इस बात को कतई इंडिकेट नहीं करता, ये इस बात को कतई प्रूफ नहीं करता कि आपको राउंड वन के अंदर सीट अलॉटमेंट होगा ही। आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसके बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट होता है। मेरिट लिस्ट आपको सिर्फ इतना बताती है कि फॉर एग्जांपल एमपीटीटी काउंसलिंग में मान लो 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो अब 20,000 बच्चों के अंदर आपकी क्या पोजीशन है वो आपको इस मेरिट लिस्ट पे पता चल जाएगी। उसमें नाम होने से ये कन्फर्म नहीं होता कि सीट अलॉटमेंट आएगा ही। दूसरा डाउट बच्चों का ये आ रहा था कि मुझे मेरिट लिस्ट मिल गई, मैंने नाम भी देख लिया, मेरा नाम भी है मेरिट लिस्ट के अंदर, अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें मेरी जो भी पोजीशन है उससे मुझे सीट अलॉटमेंट का कैसे अंदाज़ा लगेगा कि मुझे क्या सीट मिल सकती है। तो जो स्टार्टिंग के 5,000 के अंदर वाले बच्चे हैं ना, जिनके 5,000 के अंदर मेरिट लिस्ट में नाम है, वो सेफ जोन में है, उन्हें एमपीटीटी के अंदर बेहतर कॉलेज मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरिट लिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट उसे ओपन कर सकते हैं। एंड जो बच्चे चैनल पर नहीं हैं वो जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, क्योंकि हमारे चैनल पे एमपीडीटी से रिलेटेड एक एक अपडेट, चाहे वो छोटा अपडेट हो या कोई बड़ा अपडेट हो, हम शेयर करते हैं, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। बाकी मेरिट लिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, दीजिए इजाज़त मुझे, जय हिंद।